I am impressed with KL Rahul because he has done well as a captain so far. But भाई तेरे को run बनाने पड़ेंगे. तू अगर ये सोच रहा है नहीं जी मैं कप्तान बहुत बड़ा हो गया हूँ तो टीम खुद ही जाएगा. भाई तू ही है सबसे बड़ा बैटर उस टीम में. निकोलस पूरन नहीं है, स्टोइनिस नहीं है. उस टीम का सबसे बड़ा बैटर तू है. और इंडियन टीम में भी ये बहुत टाइम से है कि शायद इंडियन टीम में भी विराट को छोड़ दो, रोहित को भी हटा दो, तो उसके बाद तो तू ही था ना सबसे बड़ा. फेल हुआ तभी हमारे. तो तेरे को अब यू हैव टू कम इनटू योर ओन. तुमको आगे से रन बनाने पड़ेंगे और तब जाके लखनऊ जीतेगी. सो यू हैव टू टिप योर हैट टू केएल राहुल आल्सो एज अ कैप्टन एंड यू हैव टू से दैट जीटी में हार्दिक फैक्टर था. देखो जो हार्दिक फैक्टर था ना वो उसका इंटरपोज का ना इंटेंट कहीं ना कहीं अप करके रखता था. बट केएल राहुल का बस सीन पता क्या है, आई एम वेटिंग टू सी कि जब इसी टीम के ऊपर ना चेस करने की बारी आती है. डिफेंड तो आप कर रहे हो बट चेज करने की जब बारी आती तब क्या इंटेंट रहता है. चेज में हारे थे, चेज में हारे हैं, डिफेंड में जीते हैं. इवन इवन इन द लास्ट सीजन दिस वाज द सेम स्टोरी फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स. साक्षर मिश्रा जरूर अग्री करेंगे. चेज के अंदर निकोलस पूरन भी कभी कभी प्रेशर ले जाता है आपका. याद रखो अवेश खान को हेलमेट फेंकने की नौबत तक आ जाती है. आप लखनऊ के इतिहास में टारगेट्स अगर कंफर्टेबली चेज हुए हो वो मुझे बहुत कम देखने को मिलता है. बट मुझे एक चीज जिसकी वजह से इस सीजन में कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी चेज उतनी बुरी नहीं होगी जैसे हमने पिछले सीजन देखी थी जब हम फेल हुए, वो ये है कि अब की बार हमारी बोलिंग 10 times अपर है. तो अगर आप फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आप बोल कर भी रहे हैं तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट ऑन दिस टीम. ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस टीम के ऊपर इस सीजन में कि ये लोग सामने से ऑपोजिशन को एक रीजनेबल टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे जिसको ये लोग चेज कर सकते हैं. बिकॉज बोलिंग अब की बार बहुत ऊपर चली गई है. और मेरे लिए अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, सिर्फ लखनऊ के एंगल से नहीं, कोई भी टीम अगर मैं कहूँ लंबी रेस की घोड़ा बन सकती है तो वो ये है कि हर मैच में कौन सी टीम का कौन सा खिलाड़ी आपको निकाल ले जाता है. मैच विनर्स जिसको हम बोलते हैं, कोई भी एक टीम किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो मुझे लखनऊ के अंदर इस साल दिख रहा है कि काफी मैच. हाँ, यस. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो मैंने बात करी कि लखनऊ इज अ गुड टीम, क्या फाइनल खेल प्लेऑफ जाने लायक टीम है? क्या फाइनल खेलने लायक और चैंपियनशिप जीतने लायक टीम है? अभी तो मुझे इसके प्रमाण इतने ठोस नहीं. देखो टीम के हिसाब से तो वो प्लेयर हैं जो जिता सकते हैं आप जीत सकते हो नहीं इस टीम के साथ. लेकिन वही चीज है ना, एक मेंटेलिटी की बात आती है कि प्रेशर में केएल राहुल किस तरीके से डिलीवर करेंगे. अब वो डिपेंड करता है कि आप प्लेऑफ में जाते हो वहां पे क्या सिनेरियो बनता है. लेकिन अगर केएल राहुल की कप्तानी की बात करें पर्टिकुलरली, तो सिर्फ एलएसजी की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी कप्तानी पर आप आ जाए. अच्छा ही कर रहा हूँ. शुरुआत खराब हुई थी बेशक अफ्रीका में, लेकिन उसके बाद से लगातार मैचेस जीते हैं केएल राहुल की कप्तानी में. इंडिया के अगेंस्ट भी आप जीते हो, अफ्रीका गए थे वहां भी आप जीते हो, अभी एलएसजी की कप्तानी कर रहे, यहाँ भी लगातार जीता रहे. तो ऐसी बात नहीं कि केएल राहुल में कप्तानी का पोटेंशियल नहीं है. केएल राहुल इज अ वेरी गुड कैप्टन. केएल राहुल की एडवांटेज वही है जो धोनी की थी. एक तो कीपिंग करते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं. मतलब ठीक है धोनी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन ही इज आल्सो वेरी काम. रिएक्शन नहीं देते. शुभमन गिल को तो भाई ऐसा अच्छा था ही मच गई थी कि पता नहीं क्या हो गया. पागल ही हो गया था पिछले मैच में जब शशांक माना चलो वो इधर उधर देख रहा है. आई थिंक यंग ब्लड एंड यंग रिएक्शंस. राहुल और संजू सेम कैप्टनसी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं और दोनों बहुत शांत हैं. इसको बोल सकते हैं यंग ब्लड एंड लाउड रिएक्शंस. सैमसन भी सही बोला. हां बिल्कुल सैमसन बहुत बिल्कुल काम रहते हैं. बिल्कुल काम रहते हैं और पैनिक नहीं करते. और आप ज्यादातर मैच तभी जीतेंगे जब आप पैनिक नहीं करते. इस सीजन देखो ना, मणिमरन सिद्धार्थ से दूसरे मैच के बाद से, पहले मैच में वो खेला नहीं था, दूसरे मैच से आया, पावर प्ले में उसको एक रोल दिया, लगातार पावर प्ले में डलवाता है बेशक. और इनके पास बहुत अच्छी बोलिंग है, वो किसी और से भी डलवा सकते हैं पावर प्ले में, लेकिन जिसका जो रोल है उसी तरीके से करवाना. प्लस आज एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई कि जहां पे विजय शंकर बैटिंग कर रहे थे दर्शन लाल कंडे के साथ, तो वहां पे मणिमरन सिद्धार्थ को लगाया गया. अब इसके पीछे का रीजन ये भी है कि वो दोनों एक ही जगह से आते हैं, मतलब तमिलनाडु से भी आते हैं, तमिलनाडु से ये भी आते हैं, तो दोनों को एक दूसरे का गेम पता था. तो इस वजह से मणिमरन सिद्धार्थ को बॉलिंग देना, वहां पे एक ओवर बचा के रखना और उसको उस टाइम पे लगाना. तो ये सारी छोटी छोटी चीज होती है जो बतौर कप्तान आपको बताता है कि आप बहुत. एक और चीज देखी, एक और चीज देखी, जब एक ही ओवर में 3 ओवर डाले सिद्धार्थ ने तो हर बार वो उसके पास आ रहे थे, बोले कि काम कोई बात नहीं हो गया ठीक है. यही चीज है जो कप्तानी में उनको आगे रख
बिल्कुल हर तीनों नो बॉल में उनके पास है, हार का भी डिफरेंस बन जाती है, यही छोटी चीज है बस। कम से कम टीम इंडिया के सिलेक्टर्स पे ये एहसान करने की अपनी परफॉर्मेंस से बताने की, हां मुझे मत पिक करना, ये बेहतर है, ये काम सिलेक्टर्स का इजी कर दिया, इजी कर दिया। जो बैटिंग इस टाइम पे कर रहे हैं खेल रहा हूं, बाद में ना जाए भाई, देर ना हो जाए। हाँ, जब तक तो अप्रैल एंड तक तो उनको टीम अनाउंस करनी पड़ जाएगी। हाँ। कब है? पहली मई को तो करनी है मेरे ख्याल। अप्रैल के लास्ट वीक में, आई थिंक लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में करनी है, मतलब एक मई से पहले पहले करनी है, अप्रैल का आखिरी हफ्ता बन जाता है। कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अभी तक तो संजू पंत लग रहा है, आज वाला मैच भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हरवाने की, तो आपकी बैटिंग जिस तरीके से हो रही है भाई साहब, अगर आप सोच रहे हो कि टीम इंडिया, तो नो, आप पहले भी बाहर थे, आप अभी भी बाहर ही रहोगे एज अ बैटर। तो कीपर बैटर के जो स्लॉट है उसमें तो वाकई अभी सबसे आगे संजू सैमसन ही लग रहा है, संजू और पंत बस दो लग रहे हैं। पंत भी नहीं है, लेकिन संजू सैमसन की जहां तक बात है भाई, वो आदमी लगातार चार में चार जीत भी चुका है, ये भी डिफरेंस है कि संजू तो चार में चार जीत भी गया और उन चार में से दो में तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप देखें आरसीबी वाली गेम में जो उसने रन मारे हैं, और दूसरा कहां पे रन मारे थे, जो सेकंड गेम थी मेरे ख्याल से, संजू पहला मैच एलएसजी के अगेंस्ट, एलएसजी के अगेंस्ट ही मारे थे पहले मैच, हैज डन रियली रियली वेल, बट केएल राहुल के रन नहीं है। सुपर चैट देख लेते जो भेजी है, सुपर चैट देख लेते एक बार जो भेजी है, का दीजिए भाई। बट एक बात तो है, मैच बोरिंग था, मैच बोरिंग था, इधर पिछले साल जो मैच हो रहे थे ना, महाबोरिंग महाबोरिंग। पहले मैच में 200 पे 200 पड़ रहा है, स्मॉल स्कोर्स बेसिकली। सुरेश भाई सॉरी बट यू आर डिस्क्रेडिटिंग नेहरा, गैरी कस्टन, ओनली रीजन नहीं बोला, ओनली तो नहीं ये नहीं बोला हमने, हां विदाउट हिम आपको दिख रहा है थोड़ा सा फीके पड़ रहा है, ही वाज वन फैक्टर नॉट 100%, डोंट फॉरगेट, नो शमी नो मिलर एज वेल। हां ये भी ठीक बात है, नहीं देखो लेकिन नहीं है मिलर भी नहीं है हार्दिक, और हमने एक चीज और पर्सपेक्टिव ही रखा है, आप सिर्फ हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी मिस नहीं कर रहे हो, आप उनकी बैटिंग भी मिस कर रहे हो, बॉलिंग भी कर रहे हो, वो चौथे नंबर पे आके जो स्टेबिलिटी देते थे, वो मिलर को एक चांस देते थे कि मैं खड़ा हूँ तू खेल, वो भी उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं यार, कहाँ आ रही हो, देखिए शरद आए थे उसी चौथे नंबर पर, और ये एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर है जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस जो हार्दिक पांड्या इस टीम को देते हैं, देते थे। दो बार 200 रन पड़वाए जीटी ने, मतलब हमने जो देखा है दो सीजन पिछले सीजन और इस सीजन में जो हारे थे बहुत अनएक्सपेक्टेड, 5-6 के यश दयाल के और ये 200 जो शशांक ने चेस किया, दोनों मैचेस में कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं थे, उस मैच में राशिद खान कप्तानी कर रहे थे और इस वाले में शुभमन गिल कर रहे थे, तो जब भी अनएक्सपेक्टेड हारे इस तरीके से कि बिल्कुल मैच जीता हुआ है गुजरात और वहां से हार गया, बहुत रेयर हुआ है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी में ऐसा कुछ हुआ है। नहीं देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ उसको, मैं बोल रहा हूँ जिसे पहले हमने कर दिया था कि सिर्फ नेहरा जी का है, वो भी गलत है ना, मैं कह रहा हूँ वो तो एक टीम एफर्ट होता है, लेकिन हार्दिक के जाने से ये लोग बर्बाद लग रहे हैं, ये सिंपल बात है। सुशांत केएल राहुल एज कैप्टन इज ब्रिलियंट, टैक्टिकली गुड, ही नेवर लॉस्ट गौतम गंभीर के बिना कर रहा है। पहले तो हम गौतम गंभीर को बोलते हैं मुंह उठा के हर चीज कि देखो जी गंभीर मास्टर स्ट्रोक गंभीर और बनाया भी है, जब लखनऊ अपने क्वालिफायर पिछले 2 साल में प्ले ऑफ में जाके क्वालिफायर में लखनऊ आ रहा है, When you are at a big stage, your captain should lead from the front. Correct. और आपके लिए जब आप बड़े स्टेज पर होते हो आपका कप्तान तो भाई कभी भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करता नहीं करता है। और ये बहुत जरूरी है, लक्षित ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है यहाँ पे, बट जो लक्षित भाई ने बोला मुझे लग रहा है चेज में अभी भी थोड़ा इशू आ सकता है लखनऊ को, ओके ले लेते हैं। इसलिए बोल रहे हैं साक्षी मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हिच प्लेयर विल बी अ पिवोटल रोल इन टेकिंग एलएसजी टू द प्लेऑफ्स, आल्सो योर व्यूज ऑन केएल'स कैप्टेंसी एंड बैटिंग परफॉर्मेंस। सी चलिए पहले कैप्टेंसी ले लेते हैं, बतौर कैप्टन केएल राहुल मुझे बहुत पसंद रहा है जो हमने बात करी, एंड ओके जो प्लेयर लेके जाएगा वन आई विल से दो प्लेयर, एक मुझे चाहिए कि केएल राहुल ओपनर के तौर पे आके लीड करें, हिज एक्सपीरियंस हिज कैप्टन, आप जब कप्तानी निभाते हैं ना तो आप एक मेंटोर का रोल भी निभाते हैं, आपको स्टेज सेट करना पड़ता है, सो ही हैज टू फायर एट द बिग लेवल अगर प्लेऑफ्स पहुंचती है टीम और आप चाहते हैं कि फाइनल पहुंचे। सेकंड द अदर प्लेयर हु इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पिवोटल रोल फॉर मी वुड बी बैट्समैन में अगर बात करूं तो निकोलस पूरन बतौर फिनिशर, बॉलिंग में अगर मैं बात करूंगी तो मेरे लिए एक वेल डिपेंड करता है कि क्या कौन सी टीम सामने है, बट पेसर्स में मयंक यादव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एंड देन रवि बिश्नोई एंड कृणाल पांड्या आर माई टू अदर
मैं डार्क हॉर्स बोलूंगी तो यहाँ सब हंसेंगे इस समय, लेकिन आई वर टू अदर पीपल जिनके ऊपर मैं अपनी बेट्स प्लेस करूंगी कि ये इंपॉर्टेंट रोल निभा जाएंगे बोलिंग एंगल से. इट्स अ गुड टीम. डीजी दिल्ली हो, आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया. प्रीति संधि फॉर्म ऑफ केएल राहुल, शुभमन गिल. भाई वैसे शुभमन गिल की भी फॉर्म क्या ही लगी है. बस अहमदाबाद में रन आ रहे हैं, सिर्फ अहमदाबाद. शुभमन गिल इन बैटिंग एंड सिराज, सिराज भी भाई बॉलिंग में मरवा रहे हैं. शमी भी अवेलेबल नहीं है फॉर वर्ल्ड कप. जय शाह ने बोल तो दिया लेकिन इनसे हो ना पाएगा. आई थिंक सो ठंडे गढ़ पाएंगे, इसीलिए तो मैं परेशान था. गढ़ पाएंगे कि हमारी उम्मीदों की कब्र एक बार फिर से खुद जाएगी. बल्लेबाजी नहीं कर रहा आपके स्पिन ऑलराउंडर अक्षर हो जाडेजा हो, दोनों से बैटिंग नहीं हो रही है. रवि बिश्नोई, यस अ गुड कॉन्फिडेंस इन रवि बिश्नोई. अभी सिर्फ चार लोगों में मेरे पास कॉन्फिडेंस है, रोहित शर्मा की बैटिंग देखते हुए, विराट कोहली की बैटिंग देखते हुए, रवि बिश्नोई की बॉलिंग देखते हुए और बुमराह की बॉलिंग देखते हुए. उसके अलावा मेरे को एक इंसान बता दो कि हाँ भाई ये बंदा जो आपके T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में है वो कॉन्फिडेंस दे रहा है. मैं मान जाऊंगा चहल को, देख पांडे देख चहल को, ये लोग नहीं रख रहे. सैमसन से तो इनका पक्का दोस्ती है. अगर ओडीआई वर्ल्ड कप है उस साल में सैमसन T20 खेलेगा, T20 वर्ल्ड कप है सैमसन ओडीआई खेलेगा. सैमसन को तो भूल ही चुके हैं. चीज होती है आईपीएल पे पैरामीटर है. आप बोल रहे हो कि आईपीएल देखेंगे जी, तो आईपीएल में तो संजू सैमसन अगर अभी तक देखते हो ना मेरिट के हिसाब से किसी प्लेयर को लेकर जाना है. एक नाम मैं कह रहा हूँ, अभिषेक शर्मा. वो तो है अगर वही है ना, इंडियन क्रिकेट में चीजें नहीं होती है. अगर ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट होता भाई साहब 2 मिनट में कर देते. अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट होता वही नौबत ही ना आती. वहां 21 के वर्ल्ड कप में ही फ्लॉप शो देखने के बाद रोहित शर्मा केएल राहुल के T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती. हमारी आदत है धक्के में प्लेयर्स को खींच के लेकर जाने की. अगर आप इस साल का वर्ल्ड कप हारते हो, आपको रोहित शर्मा को बिना T20 की फॉर्म होते कप्तान बनाना पड़ा है. इसमें रोहित की गलती मत मानो कि रोहित T20 वर्ल्ड कप धक्के से खेल रहा है. इसमें BCCI की गलती है कि भाई आपने उस समय पर बोल्ड कॉल्स नहीं ली. आप प्लेयर वर्शिप सिर्फ इंडियन क्रिकेट में फैंस नहीं करते मेरी जान. आपकी BCCI भी प्लेयर वर्शिप ही कर रहा है. दूरदर्शिता भी तो नहीं थी. आप कौन से ऐसे प्लेयर्स लेके आए जिसपे आपको भरोसा था कि आगे जाके अच्छे करेंगे? कोई भी नहीं.